कि भैया आपकी सिविल परीक्षा का पेपर लीक हुआ है ना, उसको आप कैंसिल करिए, पर उसको आधार बनाते हुए आपने पटवारी परीक्षा को कैसे कैंसिल किया, ये मेरा प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, 13,49,000 से ऊपर व्यक्तियों ने पटवारी परीक्षा के लिए फॉर्म भरे थे। इतनी बड़ी परीक्षा में किसी भी प्रकार की गलती न हो और भविष्य में पेपर लीक नहीं हो, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के लिए तथा पेपर लीक न हो, इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, 4/1/2021 को एक कमेटी बनाई गई, उसमें SOG के IG, RPSC के सेक्रेटरी, इन दोनों को सम्मिलित किया गया और अन्य राज्यों में केंद्र की संस्थाओं की भर्ती प्रक्रिया का अध्ययन कराया गया। और उसके बाद बजट में भी अभी आपने देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने द्वितीय चरण की परीक्षाओं की घोषणा की है, मतलब एक जैसी समान परीक्षाओं के लिए पहले प्रारंभिक परीक्षा करा ली जाए और उसके बाद जितनी भर्तियां हैं उससे 15 गुना अथवा 12 गुना जो भी संबंधित विभाग निर्धारित करे उसके आधार पर द्वितीय परीक्षा में जो पास होंगे उसको 3 उनकी मेरिट के आधार पर सिलेक्शन करने की बात सोची गई है। क्योंकि जो 8 परीक्षाएं कराई गई थी, मैं आपको बताता हूं, उसमें कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिग्री धारक, कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिप्लोमा धारक, कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक डिग्री धारक, कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक डिग्री धारक, इस तरह से 8 परीक्षाएं हुई थी। उसमें केवल सिविल डिग्री धारक कनिष्ठ अभियंता का पेपर लीक हुआ था 6/12/2020 को, इसके कारण परीक्षा जो है ये स्थगित की गई है, वो वापस जून में कराई जा रही है। अब इसमें खास तौर से जो प्रश्न पत्र लीक हुआ है उसका कारण, उस पर 2 आदमी पकड़ लिए गए हैं। उनका बहुत सिंपल, उनका सीधा प्रश्न है, आप लिख रहे हो कि कनिष्ठ अभियंता सिविल का पेपर लीक हुआ और वो पूछे जब इसका लीक हुआ है तो पटवारी का क्यों कैंसिल हुआ, ये सीधा प्रश्न है, मतलब ये क्या कारण है, वो समझना चाहते हैं बस। वो मैं ये समझा रहा हूँ ना कि इतनी बड़ी परीक्षा है और 2 आदमी गैंग के पकड़ लिए गए हैं, वही गैंग आगे गड़बड़ नहीं करे, उनके जितने भी गुर्गे हैं उनको पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है ताकि आइंदा पेपर लीक नहीं हो, इसके कारण से इसको स्थगित प्रशासनिक आधार पर किया गया है। और मैं समझता हूँ कि आपने देखा होगा एक बार आगे परीक्षाएं जो पेपर लीक हुए थे उसके आधार पर हमने एक एक्ट बनाया था, उस एक्ट में ऐसे लोगों को जो अनफेयर मीन्स यूज करते हैं उनको दंडित किया गया था, गैंग में जो लोग करते हैं उनके लिए 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया था। अध्यक्ष महोदय, अब ये समय आ गया है कि जो इस प्रकार की गैंग पेपर लीक करती है उनके लिए सख्त से सख्त कानून बने और ऐसे लोगों को रोका जाए। चूंकि इसमें 13 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे थे और उसमें किसी भी प्रकार का पेपर लीक ना हो और व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करके इम्तिहान कराया जाए, इसके कारण से प्रशासनिक आधार पर इसको स्थगित किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, पैसे एक बात फिर आप पूछिएगा। अब मुझे मैं एक सवाल आपके सामने खड़ा कर रही हूँ, सचिन पायलट के कारण से सरकार लीक होके उठे बच गई, क्या सरकार को डिस्कस कर देंगे क्या? अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा, माने अंकित नहीं होगा, माने कटे जी, ये गलत प्रश्न पर है आपने, प्लीज आप सीनियर मेंबर है, इरेलेवेंट बातें कर रहे हैं, गलत बात। अध्यक्ष महोदय, जो खंड 1 में उत्तर दिया उसमें इनकी तारीखें तय थी 10/1/21 को, 17/1/21 को और 24/1/21 को, तीनों तारीखें तय थी और 29 तारीख के दिन सिविल इंजीनियर का पेपर आउट हुआ। इससे आपने इसको एकदम कैसे जोड़ा 10 दिन पहले, जो 10 तारीख को परीक्षा होनी, मतलब केवल 12 दिन पहले आपने ये अचानक कैसे निर्णय ले लिया, बिना कोई आधार आए, बिना कोई सूचना आए, बिना कोई चीज आए, आपने ये लेकर के क्यों रोकी है ये जानना चाहते हैं हम। केवल पटवारी पर समित हैं, सारे देश में और सारे प्रदेश में क्या पेपर हो रहा है उसको तो आप अलग रख दीजिए, आप तो सीधा इस पे आ जाइए कि जो 10 तारीख तय हो गई थी, 17 तारीख तय हो गई थी पेपर होने की, 29/12 को अर्थात 12 दिन पहले ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि इन परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा? अध्यक्ष महोदय, जो पेपर छपे थे वो प्रेस सेम
ट्रांसपोर्टर सेम पंचदश, तो पूरी संभावना थी कि पता नहीं कहाँ कहाँ किस तरह से पेपर आउट हो सकता है। इसलिए ये उचित समझा गया कि इतनी बड़ी परीक्षा में पेपर पुनः लीक ना हो, इसके लिए चुस्त दुस्त व्यवस्था करके और प्रशासनिक आधार पर इसको कैंसिल किया गया। जहाँ तक सवाल है, आपकी गवर्नमेंट में भी जो है 2014 से 18 के बीच में लिपिक ग्रेड द्वितीय का पेपर 11/1/2014 को पेपर लीक हुआ, कनिष्ठ लेखाकार का पेपर जो 2/8/2015 को हुआ था उसको आपको निरस्त करना पड़ा। तो ये मैं कोई ये नहीं कहता कि आपके में हमारे ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि 13.5 लाख आदमी जिसमें अभ्यर्थी हैं और उनकी प्रेस जहाँ पेपर छपा है पहले वाला पेपर लीक हुआ है वो प्रेस सेम है और ट्रांसपोर्टर सेम है, तो ऐसी स्थिति में ये जरूरी था प्रशासनिक आधार पर कि पेपर लीक ना हो।